प्रफुल्ल जैन द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित कलेक्टर मंगलवार को बालिका विद्यालय में खुद शिक्षक बन गई। इस दौरान कलेक्टर निधि निवेदिता ने अंग्रेजी में कमजोर 9वीं एवं 10वीं की लड़कियों को आधा घंटा अंग्रेजी व्याकरण की शिक्षा दी। राजगढ़ जिले में निधि निवेदिता ने बादल पर पांव के तहत शिक्षा स्तर ठीक करने के लिए जिले में नवाचार के तहत शुरुआत की है। राजगढ़ जिले में शासकीय स्कूलों में शिक्षा के कमजोर स्तर को सुधारने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत 9वीं एवं 10वीं की बच्चियों के लिए अभियान के तहत अंग्रेजी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है। कलेक्टर निधि निवेदिता ने बताया कि अचानक स्कूलों में निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर निधि निवेदिता ने इस दौरान लड़कियों को एकवचन बहुवचन के विषय में विस्तार से समझाया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को भी पढ़ाई करवाने के गुर सिखाए। कलेक्टर की इस पहल की पूरे शहर में तारीफ की जा रही है। लोगों का कहना है कि इसी तरह समय निकालकर अन्य स्कूलों में भी बारी बारी से अचानक पहुंचना चाहिए ताकि शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। राजगढ़ से संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, शिक्षा का स्तर जो है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा इस तरीके का है कि उसे प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आज मैं हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है बादल पे पाँव, जिसमें हम जो 10th और 12th की जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ हैं उन लोगों को कोच कर रहे हैं ताकि वो 10th और 12th के एग्जाम जो है पास कर सकें। मैं उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी। सो एज अ रूटीन मैटर मैंने सोचा कि जो दिक्कतें भी इन लोगों को आ रही है, जो 9th की बच्चियाँ हैं, इनका ब्रिज क्रॉस तक चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इन लोगों से भी देखा जाए कि इनका क्या लेवल है और उनको थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश मैथ्स और फिजिक्स इन टीचर्स की काफ़ी स्कार्सिटी रहती है, तो आई मैंने इनको पढ़ाया आधे घंटे और मैंने इनको मोटिवेट किया है कि किस तरीके से ये लोग और पढ़ के और बेहतर सीख समझ सकते हैं। आगे भी मैडम और स्कूलों में आप इस तरह से? जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं और स्कूलों में भी जाऊंगी और हमारा प्लान जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स की टीचिंग और स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक अलग चीज़ है। हमारे जो टीचर्स की एक फौज है पूरी 7000 टीचर्स की, उन टीचर्स को हमको ट्रेन करना है, उनको केपेबल बनाना है ताकि वो बेहतर ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा सकें।